पाकिस्तान के जश्न आजादी की खुशी में अमरीका की रियासत टेक्सस में तकारीब जारी है। जियो न्यूज के नुमाइंदे राजा जाहिद की रिपोर्ट। पाकिस्तान की तरह अमरीका भर में जश्न आजादी पाकिस्तान और नए पाकिस्तान की खुशियों को एक साथ मनाया जा रहा है। डेलस में टेक्सस किंग अर्विंग में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जश्न आजादी की खुशियों को मिलकर एक साथ मनाया। तमाम इलाकाई और कौमी जबानों से ताल्लुक रखने वाले मर्द खवातीन बच्चों ने वतन की मोहब्बत में भंगड़े डाले। सब्ज़ो सफेद लिबास पहनकर पाकिस्तान से अपनी वालेहना मोहब्बत का इजहार किया। दुनिया में जहाँ जहाँ भी ओवरसीज है सबको दिल की तराइयत से हम मुबारकबाद पेश करते हैं यौमे आजादी के मौका पर। यहाँ दिल्ली से मौजूद पाकिस्तान का जश्न आजादी मना रहे हैं। बेशक हम लोग पाकिस्तान से बहुत दूर हैं, लेकिन पाकिस्तान हमारे दिल में है और यहाँ पर टेक्सस वालों ने इतना अच्छा इंतजाम किया है कि हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम पाकिस्तान से दूर हैं। तो हम ही चाहते हैं कि 14 अगस्त की खुशी में पूरे पाकिस्तानियों को डेलस, टेक्सस, अमेरिका और इसके अलावा 22 करोड़ की जो आबादी पाकिस्तान में है उन सबको नया पाकिस्तान मुबारक, पाकिस्तान की खुशियां मुबारक। पाकिस्तान डे जो है यहाँ पर अमेरिका में जितने जोश और खरोश से मनाया गया है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी इतने जोश से नहीं मनाया गया होगा। आकर ये महसूस हुआ कि हम अपने मुल्क से दूर नहीं है। खुशी मनाई, खाने पीने की चीजें, बच्चे आए, सबको पता चला कि हमारा मुल्क है। इतनी कुर्बानी के बाद अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत इनायत फरमाए, तो हम सबको मिलकर उसकी खिदमत करनी चाहिए। जश्न आज़ादी डैलस और यूएसए की तरफ से पाकिस्तान वालों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। बैरूनी मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों का कहना है कि वो वतन से दूर जरूर हैं, मगर पाकिस्तान हर लम्हा इनके दिल में रचा बसा रहता है। राजा जाहिद को तो पता चला। जियो न्यूज़, डैलस, टेक्सास, अमेरिका।